दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने पेपर पैटर्न में कुछ बदलाव किए हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। पेपर दो हिस्सों में होगा। शुरू के आधे घंटे में आपको एक अंक के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने हैं, यानी 30 मिनट में 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको एक OMR शीट दी जाएगी, जिसमें आपको गोले भरने पड़ेंगे। बाकी के 2.5 घंटे में आपको उत्तर पुस्तिका में 3 और 4 अंक के प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। पुराने पैटर्न में लेटर एप्लीकेशन के लिए 6 और निबंध के लिए 7 अंक मिलते थे, वहीं पोस्टर, एडवर्टीजमेंट और नोटिस के लिए 5 अंक मिलते थे, लेकिन इस बार कोई भी प्रश्न 4 अंक से अधिक का नहीं होगा। आपको कुल 50 प्रश्न हल करने होंगे, जिसमें एक अंक के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 और 4 अंक के 10-10 प्रश्न शामिल हैं। साथ ही परीक्षा के समय में भी बदलाव किया गया है। हर बार परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होती थी, लेकिन इस बार परीक्षा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो गया है। परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले यानी सुबह 7:30 बजे तक पहुंचना होगा। मंडल ने सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बारे में एक वीडियो पहले ही बन चुकी है, जिसे आप ऊपर दी गई आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रश्न बैंक अपलोड कर रही है, और इसी प्रश्न बैंक से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी प्रश्न बैंक को अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से हल करेगा, वह परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप सब परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं सहित आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।